ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे प्रॉफिट लॉस के, आज ठीक है मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, वो आप सीखो। ठीक देखो जरा, एक डीलर है ठीक है, उसने एक वॉच खरीदी है 225, ठीक है, एक डीलर है, उसकी जो वॉच है 225 रुपये की, वो वॉच है 225 रुपये। ठीक है, और बोला कि स्पेंड रेस 15 रुपए ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, और 15 रुपए है ना, इसको रिपेयर करने में उसका चार्ज चला गया। ठीक है भाई, उसने जो वॉच ली थी वो 225 की, और जो 15 रुपए जो है ना, उसको रिपेयर करने में चला गया। उसके बाद बोला है उसने, ही सेल द सेम फॉर रेस 300 रुपए, और उसने भाई, उसने जो उसको सेल कर दिया, जो सेल करेगा वो उसका हमेशा सेलिंग प्राइस होगा, सेल कर दिया 300 रुपए का। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भाई, एक एक डीलर था, उसने क्या, एक रिस्ट वॉच थी, उसको 225 को उसने खरीदा, उसके 15 रुपए उसके बाद रिपेयर करने में चले गए, तो भाई उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी भाई, टोटल कितनी चली गई होगी, 225 और 15, तो भी ये भी तो चला गया ना उसके पास। 240, हाँ 240 सर। ठीक है, तो जो भाई 240 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, उसके बाद में उसने सेल कर दिया 300 रुपए का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 240 रुपए और सेल कर दिया 300 रुपए का, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसको प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस? प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ होगा ना भाई, प्रॉफिट कितने बाद, और आपको निकालना, जो जब प्रॉफिट सबसे पहले निकालना है, ठीक है, तो पता चला कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 60 रुपए का। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट जब आपको निकालना होगा भाई, प्रॉफिट हुआ 60, और किसके प्रॉफिट हुआ है, इसी पे तो हुआ कॉस्ट प्राइस पे, तो ये इसके नीचे डिप यहाँ पे आएगा 240, 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंट का साइन लगाओ, सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 4 जा, ये कट गया 25%, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते भाई, आप में आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और देखो जरा क्वेश्चन, एक बुक है वो 258 रुपये, 258, एक जो बुक है, बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी 258 रुपये है। ठीक है, और एक बुक सेलर ने उसके जो है ना भाई, एक बुक है वो 258 रुपये की है, और जो एक बुक सेलर है उसने भाई 20% का उस पर प्रॉफिट ले लिया है भाई, ये थी इस पर उसने प्रॉफिट कितने का ले लिया, 20% का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट ले लिया, 20% का, तो बोला कि वो कितने, अगर वो इसको, ये क्वेश्चन समझना अच्छी तरीके से, एक बुक सेलर है और उसने क्या किया, इस पे भाई 20% का उसने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अगर वो इस पे 30% का प्रॉफिट लेता है ना, तो वो कितने में उसे सेल करता? यहाँ पे जो ये जो 258 दे रखा है, इसको रुकना एक मिनट, एक बुक सेलर है, उसके पास उसने क्या किया कि एक बुक को सेल किया है, यहाँ पे तो भाई रहेगा कॉस्ट प्राइस, बताया था मैंने, यहाँ पे रहेगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जो बुक की, जो बुक की कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, बट बोला कि उस बुक को उसने सेल किया है 250 रुपये में। ठीक है, जब उसने इसको सेल किया है तो भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। अब बोल रहा है कि, अब बताइए कि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होता 30% का, तो वो कितने में सेल करता, यहाँ पे आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, बाय सेलिंग
अब बुक फॉर रेस 258 रुपये, अब बुक सेलर गेंस 20%, ठीक है। अगर एक बुक सेलर है एक बुक को 258 में सेल करता है तो वो उसको प्रॉफिट होता है 20% का। अगर हाउ मच शुड बी सेल इट इन टू गेन 30%, अगर वो उसको 30% का गेन लेना चाहता है तो वो कितने में उसको सेल करेगा, ठीक है। तो आपको निकालना सेलिंग प्राइस। भाई कोई भी इसको जल्दी से सॉल्व करके बताए। अर्नब प्रिंस, यस यार हनुमान सर, इसमें मतलब कि 258 इनटू 100 बाई वो करेंगे था 278। हाँ। सबसे पहले देखो मेनली क्या इसमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कब दे रहा है, जब दे रखा है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। उसके बाद में जब आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है, तो वही फिर जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसमें 30% का प्रॉफिट दे करके उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है 258, ठीक है भाई। जब प्रॉफिट होता है तो ऐसे लिखते हैं 120/100, भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं 100 में, जैसे 100 में 20 ऐड करोगे 120, और परसेंट के लिए 120/100। लेकिन जब अपोजिट चलते हैं, है ना भाई, इधर से इधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ आ रहे हैं, तो इसके उल्ट इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 100/120 का मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो कट गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करो 215, तो भाई इसकी सेलिंग प्राइस आपको चल गई 215 रुपये, ठीक है ना। तो उस बुक की आपको कॉस्ट प्राइस पता चलेगी कितने हुए 215। अब इसको 30% प्रॉफिट पे सेल कर दो। अगर 215 इसकी कॉस्ट प्राइस है और 30% आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 130/100 निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई कट हो रहा है? नहीं कट हो रहा है, इस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25/13 का मल्टीप्लाई करोगे। सर ये 125 नहीं है, 215 होगा। हाँ यार 225 होगा, ठीक है नोट ये, ठीक है। अब इसको इसको सॉल्व कर लो, 25 से कट कर लो। देखो इसको जीरो जीरो नहीं कट करना है, ठीक है, अपॉन 100 है, सर 200 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा 200 और 9 जा, ठीक है। सर 215 होगा, 215। अरे यार 225 लिखा कहाँ से मैंने, गलत लिख गया, ये 215 है, ठीक है भाई। इसके प्रॉफिट हो रहा है 30% का, इसका 130/100 निकाल लो, ठीक है। एक जीरो यहाँ से कट हो गया, ठीक है, और 5 2 जा, या फिर ऐसा करो कि 215 है ना, इसको जीरो से ना कट करो, फिर और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि भाई आप इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक डिजिट के बाद में पॉइंट रख देना, है ना। इसका मल्टीप्लाई करो 215 का और 13 का, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 279, ठीक है इतना। भाई यहाँ पे एक जीरो बच गया ना 10 वाला, बस इसमें एक पॉइंट रख देना, इसको हटा देना, 279 इतना आ गया, 279.5 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ चलो मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ।
देखो इसमें फॉर्मूले अगर लर्न करने पे आ जाओगे तो भाई फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, डिस्काउंट में फॉर्मूले, प्रॉफिट में फॉर्मूले, लॉस में फॉर्मूले, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ऐसे, देखो इसको नॉर्मल समझो, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, ठीक है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, ठीक है। भाई अगर कोई भी आर्टिकल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका मार्क प्राइस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस लिखते हैं और यहाँ पे इसका हमेशा कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते हैं, ठीक है। जिसमें डिस्काउंट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर भाई कोई भी आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। अगर हम उसमें, अब देखना इसको ऐसे सॉल्व कर लो, मार्क प्राइस कितना दे रखा? 100 रुपये। अगर आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितने रुपए की चीज सेल होगी भाई? 20% का डिस्काउंट मतलब कि उसको 20% की छूट मिल रही है, ठीक है। तो 20% उसको छोड़ा जा रहा है भाई, 100 का 20% 20 होता है, तो भाई वो चीज जो है ना 80 रुपए की सेल होगी, ठीक है। कितने रुपए की सेल होगी? 80 रुपए की। देखो इसको ऐसे समझो इस तरीके से, ठीक है। कोई आर्टिकल है जिस पे मार्क प्राइस लिखा है 100 रुपए, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कितने की सेल करेगा? 80 रुपए की, ठीक है। और इस पे बोला गया कि भाई इस पे भी उसको जो है ना प्रॉफिट हो रहा था 20%, ठीक है। क्या हो रहा था? 20% का प्रॉफिट। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो उस आर्टिकल की जो है ना कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई? अभी मैंने बताया जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जाते हैं और प्रॉफिट हो रहा है 120/100, इसको तो ऐसे निकालेंगे प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100/120 भाई। इसके अब इसका अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो सीधे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 200/3, ये कितनी आ गई, ठीक है। इस तरीके से है ना। अब भाई अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, अब जहाँ पे आपको डिस्काउंट दे रखा होगा, मार्क प्राइस दे रखा होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो भाई अगर आप देखो जैसे सेल हो रही कोई चीज, वो चीज कितने की सेल हो रही, तो जितना भी मार्क प्राइस दे रखा होगा मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, ठीक है। भाई सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो जितने भी उस आर्टिकल पे मार्क प्राइस लिखा है मार्क प्राइस में से आपको माइनस करना है डिस्काउंट, ठीक है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है। अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, बट आपको अगर क्या निकालना हो, देखो इसी से फॉर्मूले बन रहे हैं सारे, आपको निकालना है डिस्काउंट। भाई अगर डिस्काउंट निकालना है तो इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। भाई जितना उस आर्टिकल में मार्क प्राइस था अब वो सेल कितने की कर रहा है, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से पूछ लेता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलते हैं कि भाई डिस्काउंट कितना दे रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। इस पे दिया जाता है डिस्काउंट मार्क प्राइस में, और परसेंट निकालना, 100 का मल्टीप्लाई करो परसेंट का साइन, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये जा सारे फॉर्मूले नोट कर लो। ठीक है, अब जो ये डिस्काउंट लिखा है ना इसकी जगह पे और भी वैसे फॉर्मूले अगर बनाओगे तो बहुत सारे डिस्काउंट, अभी बताया मैंने क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 का मल्टीप्लाई परसेंट का साइन। देखो इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, और हमेशा डिस्काउंट परसेंट निकलता है मार्क प्राइस पे इंटू 100 का मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन, ठीक है। फॉर्मूले ऐसे लर्न कर, ऐसे लिखने पे आओगे बहुत सारे, लेकिन तुमको जो एक ही मेथड बताऊंगा उसी से आपको सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। बट इतना पता होना चाहिए आपको डिस्काउंट हमेशा
किस पर मिलेगा? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा, ठीक है? प्रॉफिट हो रहा होगा तो भाई सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, ठीक है? और डिस्काउंट से, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको, देखो वही चीज है, इस चीज को फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है? सैटरडे, देखो संडे को तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट, जो भी एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड टेस्ट बनाते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड कराते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है? आप उसको ऑनलाइन जो है ना उसका स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? और आपकी चेक होगी OMR शीट, आपको नंबर बताए जाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है? डाउट्स सेशन होता है, आप उस पर डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, अब बस ये यहाँ पे दे रखा, जैसे कि फिर बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस, ठीक है? अगर देखो इसमें फॉर्मूले से अगर लर्न करोगे तो सारे फॉर्मूले लर्न करते रहो, ठीक है? इसको बिना फॉर्मूले से समझो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है, आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है? आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस, तो हमेशा क्या करना, 100 में जो प्रॉफिट हो रहा होता है हमेशा 100 में ऐड किया जाता है, और जो लॉस हो रहा होता है वो हमेशा 100 में से माइनस कर दो, ठीक है? तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसको जैसे ही 100 में प्लस करेंगे सीधे 120/100 निकाल लो, ठीक है? इसका 120% निकाल लो, सीधे हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये जो भी आप सॉल्व करोगे क्या निकल आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से अगर ये प्रॉफिट की जगह आपको हो रहा है लॉस 20% का, तो इसमें भाई 80 में से माइनस, 100 में से 20 को माइनस कर दोगे, सीधे इसका 80% निकाल लो, ठीक है? ये जो निकल के आएगा लॉस पे निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। अब इसके चलते हैं अपोजिट, ठीक है? भाई सेलिंग प्राइस दे रखा हो, आपको निकालना हो कॉस्ट प्राइस, ठीक है? ये तो समझ में आया, सीधे 120/100 और 100 में से माइनस किया 20, तो 80/100। अब इसी तरीके से अब अपोजिट चलते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे दे रखा हो 100 रुपए की जो है ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, या फिर दे रखा है यहाँ पे 120, ठीक है? जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 120, और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। भाई अगर प्रॉफिट हो रहा होता, ठीक है, एक आर्टिकल है उसको सेल करने पे 120 रुपए सेल करने पे, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा होता 20%। अब इससे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं भाई, मैंने अभी बताया था, इसको जब प्रॉफिट होता है तो सीधे लिखते हैं 120/100, ठीक है? अब हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है? अगर इसी की जगह पे भाई आपको क्या हो रहा होता, 20% का लॉस हो रहा होता, ठीक है? तो क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस में, ठीक है, जब लॉस होता है सीधे लिखते हैं 80/100, ठीक है? भाई हम लोग अपोजिट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ चल रहे हैं, तो इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, 100/80 सॉल्व कर लो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है? अब डिस्काउंट और मार्क प्राइस, ठीक है? अब डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट रिलेट करता है मार्क प्राइस पे, रिलेट करता है और सेलिंग प्राइस पे रिलेट करता है, वो आपको सीखना है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये अब देखो इसको आपको बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? कोई भी फॉर्मूला नहीं आपको यूज करना है ना? बताओ अभी मैंने कोई भी इसमें फॉर्मूला बताया हो कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, ठीक है? ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपको प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस है ना और सेलिंग प्राइस दे रखी होगी, जिसमें सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। लॉस होगा, लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा दे रखी होगी और सेल कम में कर रहे हो, भाई नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, ठीक है? अब आगे देखो डिस्काउंट के लिए किस तरीके से किया जाता है।
यहाँ पे लिखते हैं मार्क प्राइस और यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब जो मार्क प्राइस था ना, वो वर्क करेगा हमारे कॉस्ट प्राइस की तरह। किस तरीके से वर्क करेगा? कॉस्ट प्राइस की तरह, मार्क प्राइस, ठीक है भाई। कोई आर्टिकल है जिसपे मार्क लिखा है, मार्क प्राइस्ड लिखा है 100 रुपये, और हमको हमने वो चीज़ खरीद रहा हूँ तो वो उस पर बता रहा है कि भाई आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे? 20% का, है ना। एक आर्टिकल है वो 100 रुपये का, उस पर मार्क प्राइस लिखा है, ठीक है, और वो भाई 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने एक रुपए की सेल करेगा? कितने रुपए की सेल करेगा? 80 रुपए की। भाई वही सेम है, यहाँ पे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस की तरह वर्क करता है, सीधे वही एक ही चीज है ना। सीधे इसका 80/100, इसको 100 में से 20 माइनस करोगे, 80/100 निकाल लो, ठीक है, लो ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब क्या होता है इसके अपोजिट, ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है तो भाई माइनस ही करेंगे। अब इसके अपोजिट देखना जरा। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको 80 रुपये दे रखा है भाई, कोई भी आर्टिकल था वो सेल हो रहा है 80 रुपये में, और उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा था 20% का। तो इसका मुझे आपको फाइंड आउट करना है कि उस पर जो मार्क प्राइस लिखा था वो कितने रुपए लिखा था, ठीक है। तो इसको फिर उसी तरीके से भाई आपको मार्क प्राइस की तरफ जाना है। इसका मतलब मार्क प्राइस यहाँ पे वर्क कर रहा है सेलिंग प्राइस की तरफ। कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है भाई। अगर नुकसान हो रहा है ना 20% का, यहाँ पे डिस्काउंट वही चीज है, चाहे लॉस हो रहा हो चाहे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो माइनस है तो भाई 80/100, ठीक है। अब भाई आपको जाना है सेलिंग से इस तरफ के जाना है, वापस जाना है, तो इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कट गया। ये देखो सीधे आ गया, वही चीज आ गई, नहीं आ गई, ये चीज समझ रहे हो। जब इससे ऐसे क्वेश्चन करोगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले, ठीक है। बट बस इतना आपको याद रखना है, मार्क प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस की तरह काम करने लगता है, और सॉरी कॉस्ट प्राइस की तरह, मार्क प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस की तरह काम करने लगता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस भाई वो डिस्काउंट में, बस भाई डिस्काउंट देना पड़ता है, बस इसी तरीके से। आप देखो, आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं, बिना फॉर्मूले से सारी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सीख सकते हैं। सर आप कोई क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, ये चीज समझ में आ गई। और मैं एक दो चीजें बता देता हूँ, ठीक है। मार्क प्राइस दे रखा होगा, उससे आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, और जब सेलिंग प्राइस दे रखा होगा तो आप उससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस से आप सीधे मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तीनों आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। अब इसको एक ही तरीका है, एक देखो एक चीज सीख लो भाई, इस तरीके से करोगे आंसर आएगा, कभी आपका गलत नहीं हो सकता है, ना कभी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमेशा लिखोगे मार्क प्राइस, ठीक है, ऐसे करके ये सेलिंग प्राइस, ऐसे करके ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा सेलिंग और कॉस्ट प्राइस के, अभी मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराए, बताया दे भाई। सेलिंग प्राइस दे रखा हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, देखो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लॉस हो रहा है, तब भी आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। तो इनमें से चाहे ये दे रखा हो तो आप ये फाइंड कर सकते हो, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है तब आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो प्रॉफिट और लॉस के, है ना, प्रॉफिट और लॉस का यूज करके निकाल सकते हो। इसके बाद में क्या होता है कि भाई अगर सेलिंग प्राइस ये दे रखा, आप सेलिंग प्राइस तो निकाल ही लोगे प्रॉफिट लॉस से। इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट होता है भाई, 20%, है ना, या जो भी है डिस्काउंट, यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट होता है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। तो मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है भाई सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस की तरह काम करने लगता है। किस तरीके का काम करता है? कॉस्ट प्राइस की तरह, ठीक है। तो भाई मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, भाई इस पे डिस्काउंट निकाल के सेलिंग निकालो, सेलिंग दे रखा है डिस्काउंट दे के। अब देखो जितने इसके क्वेश्चन है वो आपको सीधे सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये चीज समझ में आई नहीं आई? पहला क्वेश्चन है भाई, आपको दे रखा है मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 650, ठीक है, और डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%,
ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अगर किसी भी आर्टिकल पे मार्क प्राइस 650 लिखा हुआ है और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो आप निकाल सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस। सॉल्व करो, आंसर मुझे सेंड करो। सर 558। 538, तो सर फाइव हंड्रेड ठीक, फिफ्टी एट फिफ्टी एट 558 प्रिंस आपका आया। अर्नब, सर फाइव प्रिंस, हंड्रेड एट्टी फाइव सर नो तीन आंसर बताओगे मुझे यार? सर नहीं, ठीक कोई ना है कोई तो मैच कर ही जाएगा। नो सर यही वाला है 585 ही आया है मेरा। 585 सर प्रिंस। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ, आया आपका? सर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ये देखिए हाँ, देख लिया मैंने, सही है आपका प्रिंस। कोशिश करो जल्दी से, नहीं फिर मैं बताऊं। सर नहीं आ रहा चलो मैं बताता हूं अभी, देखो इसमें क्या, सबसे पहले एक फिगर बनाना तो तुम सीख ही लो भाई। मार्क प्राइस यहां पर, सेलिंग प्राइस यहां पर, कॉस्ट प्राइस यहां पर। मार्क प्राइस यहाँ पे दे रखा है 650, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस का साइन। डिस्काउंट दे रखा है आपको 10% का। सेलिंग प्राइस निकालना है, अभी मैंने बताया ये काम करेगा कॉस्ट प्राइस की तरह। ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पे लिखो, सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखो, ठीक है, ये 650 और डिस्काउंट हो रहा है 10% का, 650 का 100 में से 10 को माइनस कर दो, सीधे 90/100 निकाल लो। ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा राइट। 10% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया तो मैं सीधे उसका 90% निकाल लेता हूँ ना मैं। या तो ऐसा करो, 650 का 10% निकालो, फिर उसमें से माइनस करो, या तो डायरेक्ट भाई जो डिस्काउंट है उसको माइनस करके सीधे 90% निकालो, मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। देखो 585 आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आया प्रिंस समझ में? प्रिंस यस सर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ भाई। इनमें ऐसी तरीके से करोगे भाई, देखो मैं कहीं फॉर्मूला तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। अगर फॉर्मूला लिखने पे आ जाओगे भाई, फिर तो फॉर्मूले फॉर्मूले, इसमें आपका मिक्सअप हो जाएगा सब। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में जितना समझ लोगे ना, वो ज़्यादा बेटर है। मार्क प्राइस होता है क्या है, सेलिंग प्राइस होता है क्या है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट किस किस चीज़ पे मिलता है, लॉस किस किस चीज़ पे मिलता है, डिस्काउंट कब दिया जाता है। अब दे रखा है एक सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 3430, 3430, ठीक है, और आपको डिस्काउंट जो दे रखा है, दे रखा है 2%। ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है जल्दी भाई, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसका सॉल्व करके मुझे आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ। अर्नब और प्रिंस, आदित्य, यस, अनुवांश, प्रतीक, इसको सॉल्व कर सकते हो। सेलिंग प्राइस दे रखा 3430 रुपीज,
और डिस्काउंट दे रखा है 2%। आपको मार्क्स प्राइस निकालना है, वैसे ही फिगर बनाओ जो भी मैंने इससे पीछे वाला बनाया था, उसी से निकलेंगी सारी चीजें। बस फॉर्मूला मत लिखो, फॉर्मूला लिखोगे तो थक जाओगे लिखते लिखते। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला। सर हाँ सर हाँ बोलो। 3,500। थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नो सर, 500, 3,500। थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है भाई। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे मार्क प्राइस लिखो, ठीक है, और यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस। बट यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस ही दे रखा है, और जिसमें डिस्काउंट दे रखा है 2% का। तो भाई सेलिंग प्राइस से किधर जा रहे हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ना समझो, इसको कॉस्ट प्राइस समझो, इसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है भाई। 2% का डिस्काउंट है, तो इसको लिखूंगा मैं 98/100। 2% का डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे? 98/100, ठीक है भाई। इतना दे रखा है ये भाई। अब जा रहे हैं इसका अपोजिट, सेलिंग से कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है भाई। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, 3,500 आंसर आ जाएगा। मार्क प्राइस कितना होगा? थर्टी फाइव हंड्रेड आ गया। और देखो फिर आगे क्वेश्चन बताता हूँ, उसको सीखना। प्रिंस समझ में आया आपको? प्रिंस ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। बस इस तरीके से करना है यार, ये सिर्फ सिर्फ फिगर बनाना बस सीख लो। फिगर तो बना ही लोगे, फिगर बन गया ना तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत, तुरंत का तुरंत आंसर। अब आपको डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट भाई। मार्क प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखा है, आपको निकालना है डिस्काउंट निकालना है, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है। 625। और सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 562.5, 562.50, ठीक है। मार्क प्राइस दे रखा है 625, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 562.5%, 50, ठीक है। और आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन मार्क भाई, अब बताओ कितने का डिस्काउंट? मार्क प्राइस जिस पर है ना, बताओ। अर्नब और प्रिंस सर आमिल, डिस्काउंट आएगा, हाँ बोलो। सर डिस्काउंट आएगा 62 रुपीज एंड 0.50। ठीक है, आपको बताना है परसेंट, डिस्काउंट परसेंट देना है आंसर। आपको डिस्काउंट परसेंट देना है ना। सर 10%। 10%, ठीक है। इसको समझना जरा, ठीक सबसे पहले भाई तो बता दे, मैंने मार्क प्राइस यहां पर, सेलिंग प्राइस यहां पर, ठीक है। ये दे रखा है 625, ये दे रहा 562.50, ठीक है। सबसे पहले आपको पता कर लो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। डिस्काउंट आपको मिलता है हमेशा, डिस्काउंट में क्या होता है, मार्क प्राइस, सॉरी हाँ, डिस्काउंट कब दिया जाता है, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से मार्क प्राइस को माइनस करेंगे, कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को हाँ, तभी तो आपको पता चले कितने का डिस्काउंट है। तो
भाई इसमें डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। ये रखा 625 माइनस 562.50, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 62.50, ठीक है, इसको माइनस करोगे ना 62.50, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, 62.50 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट जब परसेंट निकालते हैं ना, तो भाई डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 62.50 का, ठीक है। किस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, मार्क प्राइस पे 625, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करो परसेंट का साइन, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, दो जीरो जाएंगे, ये कट गया, ठीक है, जिससे ये कट गया, वन टाइम्स ये 10%, कितने का डिस्काउंट मिल रहा था उसको, 10% का, ठीक है। ये तीन चीजें समझ में आ गए होंगे भाई, मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है, मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, आपको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, कुछ कहना चाहते हो? सर एक और क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। यस इसी क्वेश्चन को, सर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जो एक कोई आर्टिकल है ना, उस पे भाई मार्क प्राइस 625 है, और वो आर्टिकल सेल हो रहा है 562.50। इसका मतलब उसके प्रिंट रेट जो ना, रेट लिखा है, मार्क मार्क प्राइस का होता है, उसपे भाई एक रेट लिखा होता है कि ये जो आर्टिकल है इतने रुपए का उसमें मार्क है, तो वो मार्क प्राइस कितना है, 625, और वो भाई सेल कर रहा है इतने रुपए का, इसका मतलब कि इस पे कुछ डिस्काउंट दे रहा होगा, वही आपको निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। मार्क में से सेलिंग प्राइस माइनस किया, इसमें से माइनस किया, 62.50 आ गया। अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाले, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, डिस्काउंट अपोज अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंट का साइन लगाओ, कैलकुलेट कर लो, 10% आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। बोला गया कि एक शर्ट है, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन होंगे कि भाई शर्ट है ना, शर्ट पे जो ना उसका मार्क्ड प्राइस है 600, एक शर्ट है, एक शर्ट है, शर्ट पे वो जो मार्क प्राइस है, यहाँ पे लिख लेना सीधे सीधे, एक शर्ट दे रखी है और उसपे मार्क प्राइस दे रखा है 600 रुपये। उसके बाद बोला गया कि जो इसमें कोई भी चीज आप सेल करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है 45% का, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 45% का, तो वो शर्ट जो है ना कितने की वो सेल हो रही होगी, बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। एक शर्ट है, शर्ट पे मार्क प्राइस लिखा है 600 रुपये, और उस पर भाई जो डिस्काउंट दे रहा है 45% का, तो वो शर्ट कितने की सेल हो रही होगी, बताओ, फिर मैं आगे जल्दी से बताता हूँ। सर हाँ सर, कितने की अपना सेल हो रही है, 330 330, तो चेक करते हैं ना, एक
मार्क प्राइस हमेशा ये कॉस्ट प्राइस की तरह काम करने लगता है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है 600, कितने का भाई डिस्काउंट मिल रहा है, 45% का। 100 में से 45 माइनस कर दोगे 55%। अगर आप 600 का 55% निकाल लेते हो तो सीधे आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है ना। डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हटा दो, 45% को हटा दो, 100 में से 45% को हटा दो, बचा 55%। तो भाई 600 का जो 55% होगा उसी पे सेल हो रही होगी, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ सीधे। इसका क्या निकाल लो, 55%। 55% कैसे निकलता है, 55/100, ये कट गया, बस सेलिंग प्राइस आ गई भाई, कुछ नहीं इसमें। समझ में आया ये, फिर आगे बताऊं। फिर आ गया, फिर आते ही थे। बोला गया कि ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि एक क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, सुनना जरा। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, आर्टिकल के जो मार्क प्राइस दे रखा है उस पे अलाउ किया गया कि भाई 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। फिर बोला गया इट इज सोल्ड फॉर रेस 880, इस 880 की तो वो सेल हो रही है, ठीक है। तो जो सेल हो रही है वो उसका दे रखा है सेलिंग प्राइस, जो सेल होती है वो उसका दे रखा है सेलिंग प्राइस 880 रुपये, और जो उसका मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दे रहा है 12% का। मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दे रहा है 12% का, जो डिस्काउंट देता है उसको 12% ऐसे करें, -12%। तो आपको निकालना है कि वो चीज़ है ना उस पे मार्क प्राइस कितना है, फाइंड द मार्क प्राइस, उस जो आर्टिकल पे मार्क जो लिखा है ना अमाउंट, वो कितना मार्क हुआ होगा, ठीक है। क्या चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है, इसको जल्दी से बताओ उसमें मार्क प्राइस कितना होगा। सर 1000। 1000। फ्रेंड्स देखो जरा इसको, क्वेश्चन को समझना भाई, हम लोग अब इधर से इधर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 12% का डिस्काउंट है तो भाई 100 में से 12 को माइनस कर दोगे, सीधे इसका मुझे निकालना है 88%, 88/100, ठीक है। अगर आप क्या निकालो सेलिंग प्राइस का भाई, अब यहाँ से ऐसे चले ना अपोजिट, अपोजिट चले तो बस इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, 880 दे रखा है, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करोगे 100/88, क्योंकि हम किधर से जा रहे हैं, इससे इस तरफ ही जा रहे हैं, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाते हैं, तो भाई 88/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब इधर से इधर आएंगे तो जो ये बनेगा ना, इसका हमेशा अपोजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, 88/100 है ना, इसका अपोजिट 100/88 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं बैक आ रहा हूँ, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ आ रहा हूँ, तो इसका अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, सीधे मार्क प्राइस आ जाएगा, कट गया 1000 आ गया। फ्रेंड्स समझ में आया आपको ये चीज, अगर मार्क प्राइस दे रखा होता, 12% का डिस्काउंट दे रखा होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होता, सीधे 12% है ना, 100 में से 12% माइनस करो, उसका 88% निकाल लो, ठीक है। सीधे 88/100 का मल्टीप्लाई कर दोगे मार्क प्राइस में, सीधे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखो मैंने कोई भी फॉर्मूला बता रहा हूँ कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ सब। और पूरा ये चैप्टर, ठीक है, परसेंट का प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, ये जो इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं बिना ऐसे बिना फॉर्मूले के ही बताता हूँ, ठीक है। बताओ मैंने अभी तक कोई भी एक फॉर्मूला लिखा हो क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवा दिए थे, उसके अलावा मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला ही नहीं किया है। देखो ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, सही है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, इसके आगे के पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है।
बस इतना तुम समझ लो कि भाई आपके एग्जाम में ना इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर आगे मैं इसके आगे के जो टाइप हैं भाई, क्वेश्चन के टाइप, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको जो ना क्वेश्चन की पीडीएफ भेज देता हूँ, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं आते हैं आप मुझे बताइए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना रखते हैं और आगे के क्वेश्चन मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना अर्नव? हैप्पी दशहरा हाँ सर, हैप्पी दशहरा। हाँ सेम टू यू भाई। प्रिंस, प्रिंस तो अपना माइक आखिर ही रखते हैं भाई, कुछ टाइम। हाँ प्रिंस बोलो, क्या हुआ प्रिंस? प्रिंस यस बोलो सर, भाई। हाँ ये चीजें समझ में आती ना आपको? यस सर। हाँ भाई ये चीजें है ना, अब मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरीके से, ठीक है। इसके आगे टाइम मैं कल बता, ठीक है। ओके मैं भी सर। क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तुरंत सॉल्व करो बैठ के।